नमस्कार, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्न माला 13 को। इस प्रश्न माला में माध्य माध्यिका बहुलक निकालना है। आज अपन सीखेंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग। जैसे मैंने 5 संख्या लिखी है तो सिग्मा f मतलब इन 5 का योग कितना हुआ 15, तो ये हो गया सिग्मा का। सिग्मा का अर्थ मतलब सभी संख्याओं को जोड़ना। एक प्रश्न है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, इन्होंने एक अलग अलग परीक्षा में अलग अलग नंबर प्राप्त किए। जैसे एक विद्यार्थी ने 10 नंबर प्राप्त किए, एक ने 20 किया, 3 विद्यार्थियों ने 36 नंबर प्राप्त किए, 4 विद्यार्थियों ने 40, 5 3 विद्यार्थियों ने 50, 2 विद्यार्थियों ने 56, इस प्रकार एक विद्यार्थी ने 95 नंबर प्राप्त किए। इनका अपन को माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो जो आपको एक्स दे रखा है उसको एक साइड में लिखा, और फ्रीक्वेंसी जो एफ दे रखा है, 10 विद्यार्थी, 10 नंबर कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है? एक ने। 20 कितने किया? एक ने। 36, 3, 4, 15, 56, 2 जनों ने। आगे 60, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। इस प्रकार इन विद्यार्थियों ने अलग अलग नंबर प्राप्त किए। अब fx कैसे निकालना है? इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 10 गुणा 1 10, 20, 36 18, ऐसे लगी 1 और 9 1 10, 416 160, 5 3 15 150 और 6 2 12 का 2, ऐसे लगी 1 112। सही आ रहा है? इसका हो जाएगा 240, 728, 280, ये हो जाएगा 72, 80 और ये हो जाएगा 8 2 16, 16 1 17 176, 3 6 9 किया 27, 276 और ये हो जाएगा 3। आप इन सब का योग बना। अब अपने x निकाल दिया, f निकाल दिया, fx निकाल दिया। माध्य क्या क्या सूत्र माध्य निकालने का? x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये f है, ये fx है। f का योग कितना हुआ? सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? 30। तो सिग्मा f का मान आ गया हमारे पास 30, और सिग्मा fx का मान कितना आया? इन सबको जोड़ो, 8 2 10, 10 2 12, 12 24, 12 से 18, 18 से 24, 24 और 5 24 का 29, 29 का 9, हासिल लगी 2, 9 2 11, 7 18, 18 और 7, 18 और 7 कितना? 25, 25 और 8, 25 और 15, 25 और 5 30, 30 40, 40 और 48, 48 और 4 52, 53, 58, 58 और 6 60, 64, 64 और 2 66 और 1 66, 66 की 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 14, 15, 16, 17, 1789। अब आपको x बाहर निकालना है, तो होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 1789 में 30 का भाग दोगे तो आपके जो आंसर होगा वो आपके माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो सभी प्रश्नों के माध्य निकालने की विधि यही है, सूत्र यही है, करने का तरीका अलग हो सकता है, कैलकुलेशन आप अलग कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार आप माध्य निकाल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। एक वाक्य